आई वॉज जस्ट सेइंग विनोद भाई कि आई एम राइडिंग द मोस्ट रिलायबल मशीन इन द एंटायर लॉट. मेरे हम सफर वाना बंद कर वरना कॉपीराइट आ जाएगा. यहाँ पे ना छाव नाम की कोई भी चीज है ही नहीं, कहीं पे भी छाव नहीं है. जैसे एक बार हम गलती से एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए, यहाँ पे एक छोटा सा कट मिला. हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल. उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया रहेंगे. तो आज हमारे ट्रिप का डे टू है. कल डे वन भी हमने शाम को निकले थे, ज़्यादा नहीं, हमको 140 किलोमीटर कुछ आना था वापी के लिए. तो आज अराउंड 450 किलोमीटर है एंड द डेस्टिनेशन इज़ मेहसाना विच इज़ अगेन इन गुजरात. तो अभी जाते हैं रूम पे, नहाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, गाड़ी लोड करते हैं, फिर विल हिट द हाईवे. तो चलो मिलते हैं. तो गाइस अपनी टीम आ चुकी है. आनंद भाई, वेंकटेश भाई, और आप इसको जानते हो रॉकी. तो और तीन लोग हैं, मैं उनको आपसे बाद में मिलाता हूँ. तो ये निर्भय भाई की गाड़ी है, दैट इज़ आवर काशी. ये आनंद भाई की गाड़ी है एंड दिस इज़ राकेश की गाड़ी रॉकी. तो अभी हम लोग नीचे आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं. अभी सिर्फ विनोद भाई है जो कार में आ रहे हैं, वो आना बाकी है, वो भी अभी आ जाएंगे 10-15 मिनट में. तो चलो फिर ब्रेकफास्ट में मिलते हैं. हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है. वेनेसडे स्टार्ट करने के लिए सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट है हाफ फ्राई. चलो अभी खाते हैं कच्चा अंडा है. अरे ठीक है यार, हाफ फ्राई उसी को तो बोलते हैं. A few moments later. तो गाइस ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है, इट्स ऑलरेडी 11. काफ़ी लेट हो गया, गाड़ियाँ लोडेड है, बैग्स वगैरह सब लोड किया है. बस अभी यहाँ से निकलना है. वी हैव अराउंड 370 ऑड किलोमीटर्स टू मेहसाना. कंसिडरिंग द ग्रुप साइज अराउंड 10 एक घंटे लगने चाहिए, 11 भी लग सकते हैं. चलो देखते हैं. मेन प्रॉब्लम है सूरत में, जहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक होता है, पूरा ट्रक्स का ट्रैफिक होता है तीनों लेन में, बम्पर टू बम्पर. एक बार वो क्रॉस करेंगे देन वी कैन कंक्लूड के कितने बजे हम पहुँचेंगे. तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं और फिर मिलते हैं आपको रास्ते पर. सो गाइस ऑल सेट, सब राइडर्स रेडी है. रॉकी भाई, अभी हमको यहाँ से ये सामने कट है, यहाँ से हम लोग जाएंगे, राइट लेंगे. So this left side, this goes towards Mumbai. On the right, it goes towards Ahmedabad, Vadodara, yeah, North Delhi, Delhi, जहाँ भी जाना है आपको राइट से जाना पड़ेगा. कितना टाइम हो गया? टाइम 11:25. वंडरफुल, 11:30 हो गए. तो चलो गाइस, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति बोरिया, बोलो अम्बे माते की जय, हर हर महादेव. चलो, वी आर ऑन NH 48 अगेन. यहाँ से कुछ नहीं, सब सीधा सीधा ही रोड है, लेफ्ट साइड कुछ नहीं मानना है. थोड़े मिरर्स एडजस्ट कर लेता हूँ. भाई थोड़ी गर्मी है बट अभी थोड़ा हैवी लगेगी, हैवी की हवा लगेगी तो सब ठीक हो जाएगा. अब जब ही स्टार्ट करते हो राइड सुबह तो थोड़ा आपको सेट होने के लिए टाइम लगता है, मतलब कपड़े वगैरह जूते बीते जो भी पहने आपने, आपका सिटिंग पोस्चर वो सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है एंड देन इट बिकम्स लाइक अ ब्रीज. बस 4-5 किलोमीटर आगे आए और ये हमारा दिन का पहला टोल नाका. अभी थोड़ा सा सेटल हो गया, मतलब जो गर्मी लग रही थी अभी नहीं है क्योंकि हवा की वजह से थोड़ा अच्छा लग रहा है. बट अभी 11:30 ही हो रहा है, 1-1.5 बजे क्या हाल होता है वो देखना पड़ेगा हमें. सो गाइस वी हैव डन 111 किलोमीटर्स क्लोज टू एन आवर में. यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, थोड़ा पानी भी नहीं पीते हैं क्योंकि हाइड्रेटेड रहना ज़रूरी है, हो सके तो गन्ने का जूस पियेंगे यार. सो गाइस अभी पी रहे हैं सुगर केन जूस.
इज रिक्वायर्ड। तो गाइस सुबह की जरूरत की है लगा हुआ, अभी यहाँ से निकल रहे हैं। मैं अराउंड 111 किलोमीटर्स के रुकने के पहले, तो शायद से सूरत के आगे भरूच के यहाँ पे विनोद भाई रुके हैं, तो वहाँ पे उनके साथ लंच करेंगे, सब लोग लंच करेंगे और फिर वहाँ से निकलते हैं। सो गाइस हमने अभी यहाँ पे 15 मिनट का ब्रेक लिया है, शुगर केन जूस पिया, अभी यहाँ से चलते हैं। विनोद भाई यहाँ से कुछ 70 किलोमीटर्स दूर है, ही इज ऑलरेडी वेटिंग फॉर अस फॉर लंच एक ढाबे पे। हाईवे चलता रहेगा तो फिर हवा लगती है, अच्छा लगता है। ओहो अच्छा लगने लग गया, देखिए एक सेकंड में और 2 मिनट के बाद ठंडे हो जाएंगे हम। सो गाइस अगेन हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, या तो रिवर है या तो क्रीक है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे याद है हम लोग पिछले बार उस तरफ और एक ब्रिज है उससे गए थे। सूरज जैसे नजदीक आ रहा है, ट्रैफिक बढ़ रही है। सूरत हम क्रॉस कर रहे हैं ना, फिर उसके बाद भी ट्रैफिक हो सकती है, ऐसे नहीं बट स्टिल वो बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है अगर हम सूरत क्रॉस करते हैं बिना ट्रैफिक का। हे मेरे हम सफर वाना बंद कर वरना कॉपीराइट आ जाएगा। सो गाइस ये है हमारा तीसरा टोल नाका आज का, शायद से विनोद भाई यहीं पे कहीं पे रुके हैं। उन्होंने कहा था कि टोल नाका उन्होंने क्रॉस किया है बड़ा वाला, अभी देखते हैं अगर यहाँ पे मिले तो ठीक है, वरना हम आगे चले जाएंगे। आई डोंट थिंक सो यहाँ पे रुके हैं, चलो हम आगे जाते हैं। देखो पूरा बंद हो गया फिर भी वो चला रहा है, पूरी मिट्टी गिरा रहा है, पत्थर गिरा रहा है, क्या बोले कुछ मत बोलिए, सिर्फ देखिए, क्योंकि देखने को पैसा नहीं लगता, यही दिक्कत है। यहाँ पे हम सिर्फ देखते हैं, कुछ करते नहीं है। ट्रैफिक क्या है यार, पता नहीं, काफी टाइम से थोड़ी ट्रैफिक चल रही है उस तरफ। गाइस ये हमारा आज का चौथा टोल नाका है और हमारे लिए स्पेशल लेन है। थैंक यू। मेरी सारी कच्छ की यादें अभी ताजा हो रही है। इट वाज इन नवंबर 2021 मैं कच्छ गया था आखिरी बार मतलब पहली बार, एंड दिस इज द सेकंड टाइम। ओ मैंने बोल दिया मैं कच्छ जा रहा हूँ, सॉरी महसाना जा रहा हूँ मैं अभी, या अल्टीमेटली इट विल बी कच्छ फिर आई विल बी लैंडिंग। आप देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, लेफ्ट लेना है। तो यार ये बाइक्स के लिए भी होना चाहिए था, आई डोंट नो व्हाई, एक पर्टिकुलर कैपेसिटी के ऊपर की बाइक्स को एक्सप्रेसवे पे अलाउड होना चाहिए।
बिकॉज एक्सप्रेस वे पे जाने वाले लोग काफ़ी कम एग्जिट्स होता है एक्सप्रेस वे को, और इतना टोल क्यों भरेगा कोई लोकल लोग? जो लंबे जाने वाले हैं वही, चलो ठीक है। अभी हमको हमने मैप लगाया है, आनंद भाई सॉरी विनोद भाई रुके हैं लंच के लिए, वहाँ पे जाके उनको मिलते हैं। इट्स इन 5 मिनट्स। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं, पीछे विनोद भाई है कार में अपनी, और यहाँ पे हमारी काशी लगी हुई है। एंड आई एम द फर्स्ट वन टू रीच, यू स्टिल वेटिंग फॉर पीपल टू कम। एंड आई वाज जस्ट सेइंग विनोद भाई कि आई एम राइडिंग द मोस्ट रिलायबल मशीन इन द एंटायर लॉट। मतलब यामा पता नहीं इंडिया में क्यों गाड़ियाँ नहीं लाता है, वही पुरानियाँ जो गाड़ियाँ चला रहा है। इनफैक्ट ये मशीन तो उन्होंने अभी बंद भी की है, FZ25। फाइन, बट इट इज़ वन, यामा इज़ वन ऑफ दी ब्रांड विच यू नो विच मेक्स रिलायबल बाइक्स। तो चलो अभी बाकी की लोगों की राह देखते हैं, उन लोग आएंगे, इसके बाद विल हैव लंच। सो गाइस हमारी गैंग आ चुकी है और भी लोग आने बाकी है। सो दैट्स आवर क्लब द बाइकर्स ब्रदरहुड। तो गाइस अभी हम यहाँ पे लंच करने के लिए रुके हैं, आप देख सकते हो एम्बियंस बहुत अच्छा है ये रेस्टोरेंट का। अभी खाना देखते हैं कैसा है, बिकॉज एम्बियंस खा नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं और खाना खा सकते हैं। सो गाइस खाना हो चुका है और मस्त था खाना। अभी यहाँ से निकलते हैं, अराउंड 260 किलोमीटर्स दिखा रहा है यहाँ से महसाना, अप्रॉक्सीमेटली 5 घंटे लगेंगे, लिया बट विद ब्रेक्स 7 घंटे लगने चाहिए। तो 8ish तक पहुँचने का हमारा प्लान है, 8 बजे तक पहुँचना ही चाहिए। चलो देखते हैं कैसी ट्रैफिक है, क्योंकि अहमदाबाद हमको क्रॉस करना है, तो अहमदाबाद की ट्रैफिक पर डिपेंड करता है अभी कि आगे हम कितने बजे पहुँचेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो चलो खाना हो गया, अभी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि लंबा जाना है और अंधेरा होने के पहले ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस हमको क्रॉस करना है। अंधेरा तो ज़रूर होएगा लेकिन हमको टारगेट यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस क्रॉस करें। तो चलो गाइस मीट यू ऑन द रोड देन। तो गाइस हम निकल चुके हैं यहाँ से, अगला स्टॉप पता नहीं कहीं पर रुकेंगे, चाय भी मारेंगे, बट नॉट बिफोर एटलीस्ट 60-70 किलोमीटर्स, उसके बाद ही मिलेंगे हम लोग। अच्छा लग रहा है, थोड़ी हवा लग रही है अभी। सो गाइस ये लेफ्ट में मैंने पहले भी आपको बहुत बार दिखा रहा था, मुझे मालूम नहीं था ये क्या है। सो दैट इज़ अ स्वामी नारायण टेम्पल, बहुत बड़ा है, बहुत खूबसूरत है। तो वी हैव डन 220 किलोमीटर्स फॉर टुडे और हमें और 4.5 घंटे जाएंगे, और किलोमीटर्स कितने मुझे दिख नहीं रहे। वही जो आपको जो देख रहा है राइट में, दैट इज नॉट अ माउंटेन, दैट इज द गार्बेज का डंप है, देख सकते हो दिस इज गुड एज अ माउंटेन। प्लीज हम यहाँ पे अभी रुके हैं 2 मिनट के लिए, थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, पानी पीते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। मतलब जब तक उजाला है ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, हमको डिस्टेंस क्रॉस करना है। A few moments later. So guys, थोड़ा ब्रेक हो गया, बायो ब्रेक लिया, पानी पिया, अभी यहाँ से निकलते हैं। अभी भी दिखा रहा है 186 किलोमीटर्स, 3 hours 49 मिनट्स, अंधेरा हो जाएगा 1 घंटे के बाद। 1 घंटे में जितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं उतना करेंगे, आगे जाके चाय भी पीना है। निर्भय का फ़ोन आया था तो मैंने बोला कहीं पे देख ले चाय का टपरी, चाय मारते फिर वहाँ से आगे निकलते हैं। वैसे ही गुरुजी हम गलती से एक्सप्रेस वे पे चढ़ गए, यहाँ पे एक छोटा सा कट मिला। हाँ, पकड़ेंगे ना टोल पे, बम्बू डालेंगे,
डालेंगे। वो भी मजबूत वाला, स्पेशली अपन बाइकर वाले इसमें है ना, तो हम लोग कैसे कैसे अभी नीचे उतरे यार, बच गए कसम से। अब देखो ये एक्सप्रेस वे है, और ये जो साइड से एक छोटा सा कट था उससे हम नीचे आ गए। अरे भाई कसम से आज तो थे हमारे, वो भी फुर्सत वाले। हाँ पूरा पसीना पसीना हो गया मैं सोच सोच के। अरे कभी से कट मैं ढूंढ रहा था भाई, कुछ तो मिले जुगाड़ नीचे उतरने के लिए। चलो आखिर में मिल गया, अगर पकड़े जाते ना आगे जाके फिर वाट लग जाती थी। चलो ठीक है, जो हुआ सही हो गया, अंत भला तो सब भला। तो भाई यहाँ पे ये सब खेती वगैरह है, कैबेज वगैरह आप देख सकते हो। अच्छा हो गया हम यहाँ से आ गए। अरे अच्छा क्या हो गया यार, वाट लग गई थी। तो निर्भय कहीं पे रुके हैं, मुझे उन्होंने लोकेशन शेयर किया, अभी वहाँ पे हम लोग पहुँच रहे हैं। 10 मिनट दिखा रहा है, पहुँच लगेंगे। रोड लेकिन खूबसूरत है, छोटा सा रोड है। तो एक्सप्रेसवे का एक्सपीरियंस कैसा था? मस्त है यार, काश जाने को मिल जाए अहमदाबाद। योगेश भाई कैसा था एक्सपीरियंस एक्सप्रेसवे का? मेरे वीडियो में और मुझे फॉलो करो, मैं उसको बता दूंगा। अरे ये पहले चलू, देखो फाइन अगर पड़ भी गई तो भी कुछ तो उसका वो होना चाहिए ना। वीडियो का थंबनेल ऐसा आएगा, एक्सप्रेस वे पे बाइक आ गया, तालाब में पानी नहीं, एक्सप्रेस वे पे बाइक आ गया। अहमदाबाद में रन ऑफ फर्स्ट ट्रिप में मेरे साथ क्या हुआ, ये वीडियो बनाएंगे थंबनेल में ऐसा। उसमें सबसे खुशी सीन हम जाके जहाँ डिस्कस कर रहे थे ना, एक पूरा टूटा फूटा ऑटो में एक छोटा आदमी आया, एक्सप्रेस वे इधर मत जाओ। मैं बोला इसकी गाड़ी 20 भी नहीं चलने वाली और ये मेरे को बोल रही है। वीडियो स्टार्ट आएगा, हम एक्सप्रेस वे में जा रहे हैं लेकिन ये आगे बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। किसको देखो, गुजरात पुलिस सुन रहे हो तो देखो क्या क्या हो रहा है आपके इधर। तो गाइस वहाँ से एक्सप्रेसवे पे आपने देखा हम कैसे चढ़े थे, कैसे कैसे वहाँ से निकले। अभी यहाँ पे चाय मारा है और हमको 3 घंटे लगने वाले हैं महसाना पहुँचने के लिए, शाम हो चुकी है। तो चलो देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। अभी टाइम क्या हो गया? अभी बज रहे हैं शाम के 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, मतलब 10:30 तक पहुँचने चाहिए, 11 भी बज सकते हैं। तो चलो यहाँ से पहले निकलते हैं, फिर आपको रास्ते में मिलते हैं। गाइस बहुत टाइम पास हुआ यहाँ पे, अभी निकलते हैं। इट्स शोइंग अनदर 3 आवर्स, 7 बज के ऊपर हो गए। इनफैक्ट सब एक्सप्रेस वे पे चढ़ गए ना, वहीं पे सब पंगा हो गया यार। पहुँचते पहुँचते 11 बजेंगे रात के महसाना। ओके गणपति बप्पा और यहाँ। चलो वैसे भी अभी अंधेरा होएगा, दिखाने लायक कुछ नहीं है। देखता हूँ कुछ दिखा तो कैमरा चालू करूँगा, नहीं तो सीधा अभी होटल पे मिलेंगे महसाना में। सो गाइस अभी हमने पेट्रोल डाला, एक ही डंडी बची थी तो सोचा अभी है तो डाल देता हूँ, बाद में कौन डालेगा, बाद में देखा जाएगा। वो कार डालता हूँ। तो चलो पेट्रोल हो गया फुल, यहाँ से अभी निकलते हैं। 2000 years later. So guys, हम लोग अभी अहमदाबाद क्रॉस कर रहे हैं। So this is the साबरमती रिवर फ्रंट, ये साबरमती रिवर है और ये इसका रिवर फ्रंट है जो काफी खूबसूरत बना है।
सो गाइस वी आर क्रॉसिंग द साबरमती रिवर ये ब्रिज से, और ट्रैफिक यहाँ पे ना भयंकर है। भयंकर मतलब ट्रैफिक की तो हमें भी आदत है मुंबई से, बट यहाँ पे ना वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रैफिक सेंस वो नहीं है। दिस पीपल दे लैक इट, आई डोंट नो व्हाई, आई हैव बीन नोटिसिंग इट फॉर व्हाट सिंस द टाइम आई एंटर्ड अहमदाबाद। आई डोंट नो मतलब कैसे चलाते हैं। छोड़ो यार, चलो ठीक है, हमको तो शहर देखना है, बट अगेन इज द पीपल हु मेक द सिटी, इज नॉट द सिटी हु मेक द पीपल। सो पीपल कैन मेक इट बैड, पीपल कैन मेक इट गुड। वी आर, मैं क्या बोलूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ। यू वुड बी द राइट पीपल टू कमेंट ऑन दैट पार्ट, प्लीज कमेंट बिलो। तो गाइस हम लोग अभी मेहसाना रोड पे, दिस इज अहमदाबाद मेहसाना रोड, और पीछे आप जो देख रहे हो, और यहाँ पे वेंकी भाई के कुछ दोस्त लोग आए हैं जो अहमदाबाद में रहते हैं हमसे मिलने के लिए। तो यहाँ पे अभी हम लोग रुके हैं और यहाँ पे अभी खाना खाएंगे और फिर निकलते हैं। वी हैव अराउंड 70 और किलोमीटर्स टू गो स्टिल, एक सवा घंटे का रास्ता है। चलो देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। चलो पहले खाना खाते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस जैसे मैंने कहा, वेंकी भाई के सब दोस्त लोग आए थे यहाँ पे, और पीछे उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे खाना मिलेगा, तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहीं पे खाना खाने। ज़्यादा दूर नहीं बोल रहे, 200 मीटर है, लेकिन गाड़ी यहाँ पे छोड़ के नहीं जाएंगे, गाड़ी लेके ही जाएंगे भाई। इट वॉज हैक्टिक नहीं बोल सकता हूँ, बट इट वॉज क्वाइट अ राइड टुडे, इतनी सारी चीज़ें हुई आज। चलो कोई नहीं, जैसे मैंने कहा अंत भला तो सब भला। A few moments later. Guys, अभी आए हैं यहाँ पे, probably हम लोग कुछ लोकल यहाँ का जो गुजराती जो क्यूजीन है वो ही देखेंगे। अभी देखते हैं क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है और फिर आपको बताते हैं हम क्या खा रहे हैं और उसका स्वाद कैसा था। तो भाई मैं खाना भी शुरू कर दिया, इतना भूख लगी थी, तो हमने मंगाई है दाल बाटी। ऑलरेडी ये देख लो, किसी और के थाली की मैं दिखा रहा हूँ आपको बाटी, और ये दाल और साथ में घी गरम गरम। अभी खाते हैं उसको और बताते हैं आपको स्वाद कैसा है। तो भाई खाना हो चुका है, दाल बाटी सुपर था विथ लॉट्स ऑफ घी, और अभी यहाँ से जा रहे हैं हम लोग। इट इज शोइंग 1 hour फॉर अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट 53 किलोमीटर्स। सीधा सीधा रोड है, कुछ डिटूर विटूर कुछ करना नहीं है। होटल भी मेन रोड पे ही है मेरे हिसाब से, लेकिन देखते हैं। अभी बैटरी हमारी हो गई है डेढ़ होने को आई है, और वो ख़त्म होने के पहले हमको पहुँचना है, वरना ये फ़ोन बंद हो जाएगा। मैप की, ऐसे मैप की ज़रूरत है ऐसे कुछ नहीं है, बट स्टिल इट विल बी हेल्पफुल। चलो गाइस लेट्स रोल, लास्ट लैप है हमारे, और फिर हम मस्त सोएंगे आराम करेंगे। The next day. So guys, सुबह हो चुकी है, मैंने कल आपको रूम टूर नहीं दिया, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, पसारा रहेगा बहुत, सब अभी भी सोए हैं। देख गाइस, सो गाइस ऐसी कुछ हमारा रूम है, ये बंदा अभी भी सोया हुआ है, और देखो ये चार्जिंग, ये कपड़े, और चार राइडर एक रूम है, तो सोचो क्या क्या रहेगा, चारों के जैकेट, राइडिंग पैंट, हेलमेट, टॉप बॉक्स, टैंक बैग और फलाना धमकाना सब कुछ है। वॉशरूम अभी ऑक्यूपाइड है, तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा अभी। सो गाइस कल मैंने आपको टेरेस के ऊपर से, होटल के टेरेस के ऊपर से वापी दिखाया था, आज मैं आपको मेहसाना दिखाता हूँ। सो ये हाईवे टच होटल है, एंड दिस इज मेहसाना। इंडस्ट्री भी है काफ़ी यहाँ पे, सो दिस इज द हाईवे। कल रात को मैंने ब्लॉग क्लोज नहीं किया क्योंकि हमको रूम में पहुँचते पहुँचते 12:30 बज गए, बहुत लेट हो गया। तो चलो इसी के साथ मैं वो कल वाला व्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया रहेगा, पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए,
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।